हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी लर्न अवर सेकेंड लेसन, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें हम लर्न करेंगे कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या काम करते हैं, आप उसको कैसे यूज़ करते हो। ये तो सभी को पता है कि हमारी बॉडी के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे भी बताया है, देखो हमारा हेड होता है, आइज़ होती हैं, ईयर्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, ठीक है, एंड वेस्ट होती है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे नीचे बताया है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, ये चार पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए। ठीक है, फर्स्टली हम मॉनिटर के बारे में लर्न करते हैं। दिस इज़ योर मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, एक स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, जो हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है। ठीक है, ये हमें टीवी की तरह दिखता है, जिसको आप मॉनिटर बोलते हो। ऐसे हमारा टीवी ऐसे होता है ना, जो रिमोट के साथ चलता है, वैसे कंप्यूटर होता है, जो कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू के साथ ही काम करता है। अभी हम लर्न करेंगे सीपीयू। ये आपका सीपीयू है, ठीक है, इसको आप ब्रेन भी बोलते हो। जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, उसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है। उसके बाद ये सीपीयू की पिक्चर है, इसमें आपने कलर करना है। ठीक है, बुक पे ही सभी बच्चों ने इस पे कलर फिल करना है, ये वाली डायग्राम में। उसके बाद आता है कीबोर्ड। दिस इज़ योर कीबोर्ड। ये आपकी ए बी सी डी लिखी है, इसको आप अल्फ़ाबेट कीज़ बोलोगे। जहाँ पे आपके 0 to 9 तक काउंटिंग है, इसको आप नंबर कीज़ बोलते हो। ये आपकी स्पेस बार है, ठीक है, जो सबसे बड़ी की होती है वो स्पेस बार होती है कीबोर्ड पे। कीबोर्ड क्या होता है, बहुत सारी कीज़ या बटन्स का सेट होता है, जिसको आप कीबोर्ड बोलते हो। ठीक है, इन्होंने कहा है कि व्हाट कीज़ यू विल प्रेस टू राइट योर नेम। आप अपना नाम लिखने के लिए कौन सी कीज़ प्रेस करोगे, उन कीज़ को ब्लू कलर के साथ कलर करना है। बुक्स पे भी, इसमें भी आपने कलर करना है, और इसमें भी जिन जिन कीज़ के साथ आपका नाम पड़ेगा, ठीक है, उन उन कीज़ को आपने ब्लू कलर के साथ कलर फिल करना है उसमें। ठीक है, उसके बाद आता है आपका माउस। माउस एक तो ये वाला होता है, ठीक है, जो हमारे घरों में होता है, बट ये यहाँ पे ऐसा वाला माउस नहीं, ये वाला माउस है। ठीक है, आप इसको ये वाला माउस मत समझना, ये आपका ये वाला माउस है, जिसके तीन बटन्स होते हैं। ये वाला लेफ्ट बटन है, दूसरी साइड राइट बटन है, और ये वाला स्क्रॉल बटन है। इसके साथ आप कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो, या फिर किसी चीज़ को पॉइंट कर सकते हो। ये बहुत ही छोटी सी डिवाइस होती है, ठीक है, और एक वायर या केबल के साथ कंप्यूटर के साथ जोड़ी जाती है। ये आपका माउस है, ये आपका कंप्यूटर माउस है, और ये आपका हाउस माउस है। ठीक है जी, हमारे घरों में होता है, और ये कंप्यूटर्स के साथ वर्क करता है। तो इन दोनों माउसेस में आपने कलर फिल करना है। ये इनकम्प्लीट पिक्चर है, इनको पिक्चर्स को कंप्लीट करके आपने कलर फिल करना है। ठीक है, अच्छे से कलर करना है, और उसके बाद मुझे पिक्चर सेंड करनी है सभी बच्चों ने, जो जो भी मैंने कलर्स करने को कहा है। कंप्यूटर रूम मैनर्स, ठीक है, कि कंप्यूटर रूम में जब आप जाते हो, जहाँ कंप्यूटर लैब में जब आप जाते हो, तो आपको कंप्यूटर को कैसे छूना चाहिए, ठीक है, और उससे कितनी दूरी पे बैठना चाहिए, उसको कैसे साफ़ करना चाहिए, ये वाले मैनर्स हैं जो अभी हम लर्न करेंगे। फर्स्ट है कीप द कंप्यूटर रूम क्लीन एंड अरेंज। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर रूम होता है, उसको अच्छे से क्लीन करना है, और उसकी जो सारी चीज़ें हैं उसको ऐसे अरेंज करके रखना है। ऐसे नहीं करना कि कोई चीज़ इधर उधर फेंक दी, ठीक है, उसको अच्छे से साफ़ करके अच्छी जगह पर टिका के रखना है। उसके बाद डू नॉट टच द केबल्स और वायर। देखो इस पे क्रॉस लगा है, जिस पिक्चर्स पे क्रॉस लगा है, वो चीज़ आपने फॉलो नहीं करनी। आपने जस्ट ये वाली ग्रीन कलर पे जिस पे टिक लगी, आपने ओनली ये वाली चीज़ें ही फॉलो करनी है।
आप ऐसे वायर्स को किसी को भी टच नहीं करोगे, ठीक है? और किसी भी जो आपकी कीबोर्ड की कीज होती हैं उसको जोर से नहीं दबाओगे, आप उसको सॉफ्टली टच करोगे तो वो प्रेस हो जाएंगी। और अपना वर्क करने के बाद कंप्यूटर को जब आप बंद शट डाउन कर देते हो या फिर बंद कर देते हो, तो आपको उससे अच्छे से ढक देना चाहिए ताकि उसके ऊपर डस्ट ना पड़े, ठीक है? उसके ऊपर मिट्टी ना डले, इसलिए आप उसको साफ़ करके अच्छे से कवर कर दोगे। फर्स्ट लेसन है जो कंप्लीट हो चुका है, अभी आप हम एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। जैसे आपने फर्स्ट लेसन किया था, ठीक है, ओनली क्वेश्चन आंसर आपने राइट करनी है फेयर नोटबुक्स पे। बाकी जो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, सभी वर्क आपने ऐसे ही अपनी बुक्स पे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट आर द फोर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर? नंबर वन मॉनिटर, नंबर टू सीपीयू, नंबर थ्री कीबोर्ड, नंबर फोर माउस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मॉनिटर ऑफ अ कंप्यूटर? इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। व्हाट इज़ अ कीबोर्ड? कीबोर्ड इज़ अ सेट ऑफ कीज़। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माउस इन अ कंप्यूटर? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। ये आपकी ब्लैंक्स हैं, मैंने फिल की हैं, और आपने टिक भी करना है और फिल भी करना है ऐसे ही। सेम एज आपने बुक्स ऐसे ही कंप्लीट करनी है अपनी, ठीक है? और आपने ओनली अपने क्वेश्चन आंसर फेयर्स पे राइट करने हैं, बुक पर किसी बच्चे ने राइट नहीं करना फेयर्स पे। तो आपकी फर्स्ट ब्लैंक्स हैं, द सीपीयू इज़ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, द मॉनिटर अपीयर्स सिमिलर टू टेलीविज़न, द सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द माउस इज़ अ स्मॉल डिवाइस, द कीज़ ऑन द कीबोर्ड्स शुड बी प्रेस्ड जेंटली। यहाँ पे आपके ट्रू फॉल्स हैं। द कंप्यूटर पार्ट शुड बी ओपन आफ्टर यूज, फॉल्स। वी शुड टच द केबल और वायर्स इन द कंप्यूटर लैब, फॉल्स। वी शुड कीप अवर कीप कंप्यूटर रूम क्लीन क्लियर एंड अरेंज, ट्रू। लाइक अवर बॉडी अ कंप्यूटर टू हैज़ मैनी पार्ट्स, ट्रू। द कंप्यूटर माउस इज सिमिलर टू द माउस फाउंड इन होम्स, फॉल्स। ये आपके पिक्चर्स देख के आपने नेम बताने थे, मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस इज़ मॉनिटर, दिस इज़ सीपीयू, दिस इज़ माउस एंड दिस इज़ योर कीबोर्ड, ठीक है? यहाँ तक आपका फर्स्ट लेसन है जो वो कंप्लीट हो चुका है। बुक्स भी आपकी सेकंड लेसन तक कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है? सभी बच्चों ने अपनी अपनी फेयर्स अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में कंप्लीट करनी है। ओनली क्वेश्चन आंसर आपने राइट करने हैं, ठीक है, बुक्स पे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।